समर सीजन के आते ही गर्मियों के सबसे ज़्यादा खिलने वाले फूलों में एक वैरायटी है आपकी गुड़हल की। आमतौर पर सभी घरों में गुड़हल के प्लांट आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आपका पौधा किसी गमले या बाल्टी में लगा हुआ है तो माली के द्वारा बताई गई इन ट्रिक्स के द्वारा आपके पौधे में ढेरों फूल खिल सकते हैं। इस पौधे के फूल का काफ़ी तरह से उपयोग किया जाता है। इनका धार्मिक महत्व से लेकर के स्किन केयर तक में इनका बखूबी इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि कैसे वो अपने प्लांट की देखभाल करें या कौन सा फर्टिलाइज़र दें या वो कौन सा ट्रिक्स अपनाएं जिसके द्वारा उनके प्लांट में फ्लावरिंग ढेर सारी हो सके। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि उनके प्लांट में, गुड़हल के प्लांट में पत्तियां तो काफ़ी आ रही हैं लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसमें आप उन सभी ट्रिक्स को जान जाएंगे जिसके द्वारा आपके प्लांट में भी ढेरों गुड़हल के फूल खिलते जाएंगे। आपको यह समझना होगा कि एक बार जब गुड़हल का प्लांट फ्लावरिंग कर देता है तो दोबारा उसे उस फ्लावरिंग स्टेज तक ले आने के लिए आपको उसकी प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपका प्लांट में फ्लावरिंग हो चुकी है तो आप उसकी प्रूनिंग ज़रूर कर दें, क्योंकि जहां से फ्लावर्स खिलते हैं फ्लावर के झड़ जाने के बाद उसके पॉड उसी में लगे रहते हैं। तो आप सबसे पहले उस स्थान से गुड़हल के प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे उसमें उस स्थान से नई नई शाखाएं आएंगी, कलियां उसमें बनेंगी और आपके प्लांट की खूबसूरती भी बनी रहेगी। आपका प्लांट प्रूनिंग के बाद नई नई शाखाओं के निकलने से वो काफ़ी जो है बूशी भी बना रहेगा। गुड़हल का पौधा अपनी क्षमता के अनुसार ही पानी झेल सकता है। यदि आप कम पानी देंगे तो भी उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, और यदि आप उसमें ज़्यादा पानी देते हैं तो भी आपका प्लांट फ्लावरिंग करना बंद कर देगा। तो इसलिए आपको अपने प्लांट की मिट्टी की नमी के हिसाब से उसे पानी देना होगा। यदि आपने पानी की मात्रा को ज़्यादा या कम किया तो आपके प्लांट में पत्तियां तो भरपूर आएंगी लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होने वाली है। यदि आपके प्लांट की मिट्टी गीली हो तो उसमें बिल्कुल भी आपको पानी नहीं देना है, और यदि आपकी प्लांट की मिट्टी काफ़ी सूखी हो तो भी इस स्थिति से आपको बचना चाहिए। 6 महीने में एक बार अवश्य आपको गुड़हल के प्लांट की मिट्टी को चेंज करना ही होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके गुड़हल के प्लांट में ढेरों फ्लावरिंग हो तो आप 6 महीने में एक बार अपने प्लांट की मिट्टी को चेंज करिए, क्योंकि आपके प्लांट में जितनी ही पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होगी उसमें फ्लावरिंग आने का चांस उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप 6 महीने में एक बार अपने प्लांट की मिट्टी को चेंज करें, उसमें पोषक तत्व, फर्टिलाइजर्स, गोबर की सड़ी हुई खाद वगैरह मिलाएं और उसे अपने पॉट में भर दें। आप यदि अपने पॉट की रिपोर्टिंग भी नहीं करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आपको 6 महीने में एक बार अपने प्लांट की मिट्टी ज़रूर चेंज कर देनी चाहिए। इससे आपके पौधे की लाइफ भी बढ़ जाएगी और उसमें ढेरों फ्लावरिंग होती रहेगी। गुड़हल के पौधे को धूप और हवा दोनों बेहद ही ज़रूरी हैं, तो इसे आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर धूप और हवा बड़ी ही आसानी से मिल सके। गर्मियों के मौसम में आप इनकी पत्तियों को रोज़ाना धो सकती हैं। इसका परिणाम ये होगा कि इस पर लगने वाले सफ़ेद चिपचिपे कीड़े, मिलीबग से भी आपका प्लांट छुटकारा पा जाएगा और आपके प्लांट हेल्दी और ज़बरदस्त फ्लावरिंग करने वाला बना रहेगा। अब बात होती है गुड़हल के प्लांट की सबसे महत्वपूर्ण चीज़, खाद की। गुड़हल के प्लांट के लिए आप जाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जाइम पाउडर और लिक्विड दोनों ही फार्म को बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। यदि आप जाइम का इस्तेमाल से बचना चाहते हैं तो आप 10 रुपए की देसी खाद, 100 ग्राम खाद आपको खाद बीज की दुकान पे मिल जाएगी।
आप 10 रुपए की 100 ग्राम खाद ले लीजिए। पाउडर वाली खाद आपको अपने पौधे के हिसाब से लेनी है। यदि आपका पौधा छोटा है तो 1 चम्मच और यदि पौधा बड़ा है तो 1.5 चम्मच पाउडर वाली खाद का आप अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और आपका प्लांट ज़बरदस्त फ्लावरिंग करने लगेगा। ये सभी ट्रिक्स देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं या टाइम टेकन लग रहे हैं, लेकिन मुश्किल से ये आधे घंटे का काम है। यदि आप इसे कर लेते हैं तो आपके प्लांट की लाइफ भी बनी रहेगी और आपका प्लांट में साल भर फ्लावरिंग होती रहेगी। देखेंगे कि आपके प्लांट में ज़बरदस्त तरीके से कलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, उसमें फ्लावरिंग होने लगेगी, सैकड़ों की मात्रा में आपके प्लांट में कलियाँ और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस छोटे से प्लांट में, जिसकी ऑलरेडी हमने प्रूनिंग की थी, देख रहे हैं इसमें सैकड़ों की तादाद में कलियाँ लगी हुई हैं। प्रत्येक डाल में देखिए कलियों की भरमार लगी हुई है और ये एक साथ जब आपके गार्डन में खिलेंगे तो कितनी उसकी सुंदरता भी काफ़ी देखने लायक होती है। इसमें देखिए 4-4, 5-5, 6-6 कलियाँ प्रत्येक डाल में आपको देखने को मिलेंगी और वो भी खिलने की स्टेज में है। तो इसी तरह से इसमें बराबर फ्लावरिंग बनी रहेगी। तो आप इसकी बताए गए ट्रिक्स को यदि आप पूरी तरह से अपनाते हैं तो आप देखेंगे आपके भी प्लांट में इसी तरह की ढेरों कलियाँ आने लगेंगी और आपके प्लांट में सैकड़ों हजारों की संख्या में फ्लावरिंग होने लगेगी और आपका प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत बना रहेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारे इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारे इस वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दें ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके।